आज आप लोग टेस्ट देकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका टेस्ट अच्छा गया। कुछ क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि जल्दीबाजी में जो क्वेश्चन आप बनाए हैं वो गलत भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन आपको टेंशन में डाल रहा होगा, लग रहा हो कि इसका सॉल्यूशन कैसे पहुंचेंगे, तो उन सब के लिए हम यहाँ आपका सॉल्यूशन का वीडियो बना करके लाए हैं। यानी जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब का सब यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर ये वीडियो लंबा होगा तो इसको दो पार्ट में कर देंगे, देखते हैं कहाँ तक वो जाता है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो सेट में क्वेश्चन था, सेट ए और सेट बी, लेकिन दोनों सेट में क्वेश्चन का सिर्फ सीक्वेंस अलग था, क्वेश्चन सेम था, तो इसीलिए आप मिला लोगे कि आपका सेट अगर बी है, यहाँ सॉल्यूशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेट ए के अनुसार से है, लेकिन सेट बी में भी आपका ये क्वेश्चन है, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर आप ऊपर नीचे दिया हुआ उसको आप मिला लीजिएगा। स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अप टू बोस एटॉमिक मॉडल तक दिया हुआ था। फर्स्ट है कैथोड रेज आर, याद करो कैथोड रे और एनोड रे। कैथोड रे कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाता है, एनोड रे एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाता है। कैथोड रे से डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का और एनोड रे से डिस्कवरी हुआ प्रोटॉन का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे ऑप्शन को चेक करना होता है एक एक करके। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये गलत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मिला हुआ है। स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ये भी नहीं है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन, यानी इसका आंसर आएगा आपका सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। हमें लगता है कि ये आप सब लोग का क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर 71, याद करो आप, एटम हैज थ्री मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब करा है कि एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 71 दिया हुआ है, कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ तो सारे न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है। मास नंबर भी दिया हुआ रहता तो मे भी हो सकता था कि न्यूट्रॉन का भी नंबर बराबर हो, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बराबर नहीं होंगे, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे ही नहीं, प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन जब न्यूट्रल है तो पॉजिट्रॉन टर्म यहाँ कहाँ से आ गया, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासेस थ्रू द एटम, ए वेरी फ्यू अल्फा रे स्ट्राइक्स विद द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम एंड बाउंस बैक एंड दैट सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इन्होंने बताया था कि एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज बहुत 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 छोटा है, यानी कि इन्होंने एटम के साइज नहीं, इनके साइज के बारे में बात किया था, न्यूक्लियस के साइज के बारे में, यानी यहाँ इसका आंसर हो जाना चाहिए था ए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इनके साइज के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं, द रेडिएशन ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एटम का न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम का स्पेशली, याद कीजिए आपको क्लास में बताए थे कि हाइड्रोजन एटम को अगर लेकर के चलेंगे तो इनका साइज होता है 1 एंगस्ट्रम, लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस का साइज होता है 10^-5 एंगस्ट्रम। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10^-5 इंटू 10^-10 यानी 10^-15 मीटर। अब जनरली अगर गलती किए होंगे आप तो ये -15 यहाँ दिखा अगर आप टिक मार दिए, लेकिन यहाँ देखो जितने ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 100 से मल्टीप्लाई किए तब ये मीटर की बजाय किस में कन्वर्ट कर गया, सेंटीमीटर में। तो देखो -15 और 2 यानी 10^-13 सेंटीमीटर होगा, यानी इसमें जिन लोगों ने बी मारा होगा टिक, जिनका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। जल्दीबाजी में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन तो आसान सा है,
आपके दिमाग में भी है कि 10^-5 एंगस्ट्रम होता है, लेकिन वो मीटर में हुआ -50। आपको दिया हुआ है ऑप्शन सेंटीमीटर का, ख्याल रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल विथ 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन इज 13 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का नंबर 13 है, इसका मतलब उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है। तो 13 एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का होता है, ये पता चल गया। आगे कह रहा है विथ 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, क्योंकि एटम के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। एंड व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर में 3 प्लस चार्ज होगा। और जो ऑप्शन है हम लोग के पास में, एल्यूमिनियम एटम, नाइट्रोजन आइसोटोप्स, नन ऑफ दीज, यानी कि यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए, यानी इसका आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विथ मास नंबर 70। जिंक एटॉमिक नंबर इसका 30 होता है, ये आपको याद रखना है। इसका मास नंबर 70 है, एंड डाई पॉजिटिव कहने का मतलब इसके ऊपर में 2 प्लस चार्ज। अब आगे, आयन विथ मास नंबर 70 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। तो न्यूट्रॉन का नंबर इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर से अफेक्टेड नहीं होता है। न्यूट्रॉन का नंबर तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करने से निकलता है। तो यहाँ मास नंबर 70 है, एटॉमिक नंबर 30 है, तो 70 माइनस 30 कर दिए तो वैल्यू आ गया 40। इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए डी, और इस जगह पर आप लिखोगे तो ये वैल्यू आएगा डी। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का है। जरूरत पड़े तो वीडियो को रिपीट करके देखोगे, सारा कुछ तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस वर्ड से बना है। तीन फंडामेंटल पार्ट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब आप याद करो, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर सिर्फ हमारा ए आएगा। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो तो सारे ऑप्शन को एक बार जरूर चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, आइसोटोप्स कहते हैं किसे, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग होगा। अब ऑप्शन पर आते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके बारे में जानकारी नहीं है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, सेम एटॉमिक मास नहीं है, मास तो डिफर करता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होता है इसका, यानी इन सारे ऑप्शन में से एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी इसलिए इसका आंसर यहाँ बी होगा, आंसर यहाँ लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ देखो, Na प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, Na प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। देखिए यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसके ऊपर में एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो अब इसके पास में 2 आ गया। मैग्नीशियम, इनका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है। और यहाँ आपका Na प्लस दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 11, प्लस का मतलब इसके पास में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। तो Na प्लस के पास में और Mg2 प्लस के पास में, इन दोनों में देखोगे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 10, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 12-2 यानी 10, इन दोनों के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा Mg2+, यानी आंसर लिखोगे तो ये आ जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉन, आइसोटोप, आइसो बार, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सोडियम एटम एंड सोडियम आयंस हैव, सोडियम एटम, ये सोडियम एटम हो गया,
और ये सोडियम आयन यानी Na प्लस हो गया। आगे क्या कर रहा है, आर केमिकली सिमिलर, नहीं ये एटम है और ये आयन है, बोथ रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम कहाँ से होगा, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 11 लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ ये सही होगा क्योंकि दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, तो यहाँ भी प्रोटॉन का नंबर 11 और यहाँ भी प्रोटॉन का नंबर 11, यानी कि जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि डी। तो हम समझते हैं कि आप इतने पार्ट का आंसर क्लियर कर लिए होंगे, आप मिला लिए होंगे कि आपका सही है या गलत है। इसके बाद वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस